अवैध बालू लदा ट्रैक्टर को खनन विभाग के अधिकारी ने जब्त किया। आपको बता दें, बिहार के बांका जिले के चानन थाना को अवैध बालू लदा ट्रैक्टर जब्त कर उन्हें सुपुर्द कर दिया गया है। बता दें कि अवैध बालू के उठाव को लेकर जिला खनन विभाग के अधिकारी के छापेमारी अभियान में चांदन थाना क्षेत्र के देवघर कटोरिया मुख्य मार्ग के ब्याही मोड़ से रात्रि गश्ती में एक बालू लदा ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया। चांदन पुलिस के उसे हवाले कर दिया गया है। आपको बता दें कि बालू लदा ट्रैक्टर चांदन थाना में कार्यरत एक चौकीदार का बताया जा रहा है। यह कोई पहली घटना नहीं है। पूर्व में भी चांदन नदी घाट से चांदन थाना में कार्यरत चौकीदार का ट्रैक्टर को ग्रामीणों के विरोध पर चांदन पुलिस ने जब्त किया था। बता दें कि चांदन थाना झारखंड बॉर्डर से सटा है और बालू माफिया हर दिन बालू का उठाव कर झारखंड में महंगे दामों में बेचने का काम करते हैं। चांदन के सामाजिक कार्यकर्ता हरे कृष्णा पांडे, चंदन सिन्हा, मनीष शर्मा एवं दर्जनों ग्रामीणों का कहना है कि बालू के अवैध कारोबार में चांदन थाना के चौकीदार ही लिप्त है और उनका आरोप है कि बालू माफियाओं पर चांदन पुलिस कैसे शिकंजा कसेगी जब उनके ही विभाग के कोई न कोई इसमें अगर संलिप्त हो। इस संबंध में जिला खनन पदाधिकारी कुमार रंजन ने बताया कि गुप्त सूचना मिला था, चांदन थाना क्षेत्र में अवैध बालू का कारोबार किया जा रहा है, जिसको लेकर छापेमारी की गई। एक ट्रैक्टर को जब्त कर चांदन थाना के सुपुर्द में रखा गया है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल, अगर पुलिस के कोई भी चौकीदार हो या कोई भी, अगर उनकी अपनी ही गाड़ी अवैध कार्य में लिप्त हो तो फिर कानून व्यवस्था का क्या सवाल है? ईमानदारी से जवाब ढूंढिए। बांका से मुख्तार अंसारी की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटो कॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पर आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।